सबसे पहले मैं मेरे एक्टर से अनुरोध करूँगा, वो बताएंगे। नमस्कार गाइस, हाय। सबसे पहले मैं अवार्ड के लिए ऑल दैट थैंक यू सो मच। मैं पूरी टीम के ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम आई वांट टू थैंक यू एंड थैंक द ऑर्गेनाइजेशन, थैंक्स द फाउंडेशन जो इतने अच्छा काम कर रहे हैं और हमें आप लोगों ने बुलाया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। बहुत इंस्पिरेशन है और आज मैं एक शब्द सिर्फ कहना चाहूँगा कि जब हम लोग रास्ते में थे तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं और अपनी मूवी जो हमारी मूवी रिलीज़ हो रही है उसके लिए हम प्लान कर रहे थे कि और कहाँ प्रमोशन करेंगे और क्या क्या बोलना है मूवी के बारे में। बट ऑनेस्टली मैं जब यहाँ पे बैठा हुआ था और जितने रिस्पेक्टफुल जो हमारे चीफ गेस्ट थे और सब लोगों ने जितना भी कहा, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैम थैंक यू सो मच कि आपने आज मुझे थोड़ा सा बदल दिया। आज मैं आपसे बात करके और आपकी बातें सुन के आज मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ और यही कहना चाहूँगा। और मैं आज अपने जितने भी फैंस हैं ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, आज मैं उनको जाके ये ज़रूर बोलूँगा कि हर इंसान अगर अपने आप को सुधार ले। हम ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत गंदगी है या मुंबई बहुत गंदा है या कहीं पर कुछ गंदगी है। मुझे लगता है कि हर इंसान अगर अपने आप को जिस तरीके से आप सब जब यहाँ पर आए होंगे तो ये सोच के आए होंगे कि मैं अच्छा दिखूं और मैं अच्छे कपड़े पहनूं और हम नहा लेते हैं और हम बाल बनाते हैं और हम अच्छा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं बाहर निकलने के लिए। सिमिलरली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आत्मा को अच्छा करें, हम अपने अंदर के इंसान को अच्छा करें। वो अंदर का शरीर भी है और वो होता है स्वस्थ रहने से। और मुझे लगता है कि हर इंसान अगर सिर्फ अपने आप को अच्छा कर ले तो अगर हम यहाँ जो बैठे हुए हैं वो ये सिर्फ सोच लें कि हम अपने आप को जैसे बाहर से नहा कर आए हैं वैसे अंदर भी उतना ही साफ रखें तो आज ये ऑडिटोरियम, आज मेरी सोसाइटी, एक सोसाइटी, एक फ्लैट, उसके अंदर रहने वाले लोग और ऐसे धीरे 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 करके पूरा हिंदुस्तान अगर अपने आप को अंदर से स्वस्थ रख ले, अंदर से साफ कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हेल्प की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इनफैक्ट हम आगे लोगों को सिर्फ हेल्प करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हम सबसे बेसिक है, अपने आप को हेल्दी रखना। सो उसकी शुरुआत मैं अपने आप से करता हूँ कि आज से मैं अपने आप को अंदर से और भी ज़्यादा स्वस्थ रखूँगा। और मेरे गुरु जी हैं वो एक बात बोलते हैं, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज हैं मेरे गुरु हैं, वो ये हमेशा बोलते हैं कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच। अब मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, जिस काम के लिए आया हूँ, उसके लिए मैं एक मिनट लूँगा। हमारी मूवी है लव के फंडे जो 29th को रिलीज़ हो रही है, एक हफ्ते बाद में। हम पूरी स्टारकास्ट है यहाँ पे, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। इंद्रवेश सर हैं, इंद्रवेश योगी जो हमारी मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। गाने यूट्यूब में हैं, आप ट्रेलर देख सकते हैं, हम टीवी पे आ गए हैं। सो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि अच्छे काम पहले करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा टाइम मस्ती के लिए भी चाहिए। तो हमारी मूवी जाके देखें जिसका नाम है लव के फंडे, 29th of July को रिलीज हो रही है गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैम मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि इनका पहले लव का फंडा अलग था, पहले सिर्फ खुद को संवारना था, अब आत्मा को संवारना ये उनका फंडा हो गया है, तो वो इसका क्रेडिट आपको देना चाहूँगा। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। मैं गंगा कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। पहले गंगा कुमार जी आप कहाँ पे हैं? जी आप मंच पर आइए। हाँ जी, हमारे इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए ये पूरी स्टारकास्ट यहाँ पर मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उनके साथ जुड़े रहें तो अच्छा है। थैंक यू सो मच। हाँ जी आप कह रहे थे कुछ? जी आप कह रहे हैं और संबंध हमारे और आपके बीच का हो तो प्यार का हो, भावनात्मक संबंध हो, प्रशासनिक संबंध तो मैं पिछले 16 साल से गुजार रहा हूँ। चाहता हूँ आगे वाली बची हुई जिंदगी में हमारा और आपका रिश्ता यहाँ से हो, यहाँ से नहीं। क्या? और उनकी फिल्म देखें, जय महाराष्ट्र। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हौसला ने मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मुझे केवल एक सीख मिली यहाँ से कि प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। थैंक यू सो मच।
2015 की विजेता रही हैं और ये विजेता ये विजय तब हुई है जब उन्होंने कैंसर पर जीत पाई है. इसलिए ध्यान रहे कि ये जो मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड क्वीन 2015 का ताज है, ये ताज सुंदरता के लिए नहीं था, ये ताज है उन लोगों के लिए जिन्होंने हेल्थ और सोशल कॉज के लिए कोई अदम्य साहस का परिचय दिया है और जिस पर उन्होंने जीत पाई है उसके लिए ये विजय है और उसकी विजेता आपको आपके समक्ष प्रस्तुत है. मिस नमिता कोहो और स्नेहा दोनों ने ही अदम्य साहस का परिचय दिया है और एक बार फिर से साबित किया है कि नारी हमेशा से पुरुषों पर भारी है और हम उनके आभारी हैं. बहुत शुक्रिया. हेलो, आज का दिन एक बहुत ही बेहतरीन दिन है और इस मौके पर हम लोग जिन लोगों के लिए सहायता के लिए आए हैं 14 ताले होनी चाहिए जो कैंसर सर्वाइवर करके उन्होंने एक अपना मकाम हासिल किया है. मैं नमिता से प्रकाश का दो वर्ड बात करने के लिए आप सब लोग थैंक यू सो मच. मैं नमिता फाउंडेशन. I would just like to say that cancer comes only to very strong people, and we all, the cancer survivors who are present here today, I would just like to tell them that we all who are the survivors are the messengers of God to spread peace, harmony and love among the people who are around us. And last but not the least, would like to always say and end up my speech saying that leharon se darkar nauka paar nahi hoti, leharon se darkar nauka paar nahi hoti, koshish karne walon ki kabhi haar nahi hoti. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much.